हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी इजी उबले आलू की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा स्नैक, जिसे आप टी टाइम या इवनिंग टाइम में बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें बाउल में लेना है चार उबले हुए आलू। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के चार उबले आलू लिए हैं, जिसे मैंने छील के ग्रेट कर लिया है। अब हमें ऐड करना है थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा, ग्रेट किया हुआ अदरक, थोड़ा सा नींबू का रस, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, एक कटी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम हाथों में ऑयल लगा के छोटे छोटे बॉल्स रेडी करेंगे। बॉल्स बनके तैयार हो गया है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे, और अब हम इसमें डालेंगे आलू के बॉल्स को। और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। आलू का स्नैक अब गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। और अब हम इसे निकाल देंगे पेपर नैपकिन पे। इसी तरह हम और आलू के बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा आलू का बहुत ही टेस्टी सा स्नैक बनके तैयार हो गया है। आपने देखा, इसे बनाना बहुत ही आसान था, बहुत ही क्विक बन जाता है। और इसे मैंने सर्व किया है स्पाइसी कोकोनट चटनी के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।